हेलो फ्रेंड, shashishukla.com किचन में आपका स्वागत है। आज मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। आज मैं आपको तिल और गुड़ का लड्डू बनाना बताने जा रही हूँ। ये देखिए, मैंने काला तिल भी लिया है। ये 250 ग्राम काला तिल है और 250 ग्राम ही सफ़ेद तिल है। पहले हम इन दोनों को रोस्ट करेंगे। जितना हम तिल लेंगे उतना ही हमें गुड़ की चाशनी बनानी। अगर 250 ग्राम आपने सफ़ेद तिल लिया है तो 250 ग्राम गुड़ लीजिए। बराबर रेशियो होता है तिल और गुड़ का, वैसे ही काले तिल के लिए भी उतना ही तिल और उतना ही गुड़। तो ये पहले हम इनको ड्राई रोस्ट अच्छे से कर लेंगे, तिल को, दोनों तिल को। और ये हमने गुड़ लिया है, गुड़ की चाशनी बनानी है। अगर आप इसमें मूंगफली या मेवे डालना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है, आप वो भी डाल सकते हैं। मूंगफली भी ड्राई रोस्ट करके डाल सकते हैं और मेवे भी हल्का सा रोस्ट करके और बारीक काट के कूट के इसमें डाल सकते हैं। तो मैं सिर्फ तिल और गुड़ बना रही हूँ। तो चलिए पहले हम तिल को रोस्ट करना शुरू करते हैं। ये देखिए फ्रेंड, हमने लोहे की कढ़ाई ले ली है। आपके पास जो भी कढ़ाई हो आप वो यूज़ करिए। इसमें मैं अपना पहले सफ़ेद तिल डाल के इसको अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। तिल को बहुत ज़्यादा तेज़ आंच में मत भूनिएगा और तिल पहले तो साफ़ कर लीजिएगा। काला तिल तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है साफ़ करना, क्योंकि काला तिल आप किसी भी अच्छे से अच्छी दुकान से लीजिए तो उसमें कचरा ज़रूर होता है। तो काले तिल को बहुत देख के साफ़ करिएगा और इसको बहुत ज़्यादा भूनते नहीं है तेज़ आंच पे, नहीं तो ये तिल कड़वा हो जाता है। अगर ज़्यादा ओवर रोस्ट हो जाता है तो तिल कड़वा हो जाता है, फिर उसके लड्डू कड़वे कड़वे बनेंगे। तो इसलिए तिल को बस जब तिल चटकने लगे तब तक ही भूनिए, बहुत ज़्यादा देर हमें नहीं भूनना है। तो सबसे पहले हम वाइट तिल को भून लेते हैं। हल्का सा ब्राउन हो जाए और चटक जाए, फूल जाए तिल, तो बस हम बंद कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड, तिल हमारा कलर चेंज करना शुरू कर दिया। और तिल को लो फ्लेम पर ही करिएगा, भूनिएगा, बहुत हाई फ्लेम पे नहीं हम भूनेंगे। और चटकना शुरू हो गया है तो बस हम जल्दी जल्दी इसको लगातार चलाते हुए भूनेंगे। फ्रेंड ये देखिए हमारा तिल भून गया है। ये अब हम इसको निकाल लेंगे। 5 मिनट का टाइम लगता है तिल ये भूनने में, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन लगातार इसको आप चलाते रहिएगा। तो चलिए अब मैं इसको निकाल के और काला तिल भी भून लेती हूँ। ये देखिए इसी कढ़ाई में काले तिल हम डाल लेंगे और इसको भी जब तक ये चटकने ना लगे तब तक हम इसको भूनते रहेंगे और लगातार चलाते हुए भूनेंगे। तिल को ओवर हमें नहीं भूनना है, नहीं तो तिल कड़वा हो जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। और लो फ्लेम पे ही इसको भूनिएगा ताकि जले नहीं और ओवर कुक भी ना हो, नहीं तो आपके लड्डू का मज़ा बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। और तिल को भीनना बहुत ज़रूरी है, काला तिल तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं आप लड्डू बनाने के बाद आपको लगेगा कंकड़ खा रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पत्थर होते हैं। मैंने 250 ग्राम तिल में मेरे लगभग 50 ग्राम कंकड़ निकले हैं मैंने इसको। अगर आपके यहाँ धूप हो तो आप तिल धो के डाल दीजिए, तो धुलते टाइम जो पत्थर होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं तो आसानी रहती है। अगर धूप नहीं है तो आप इसको अच्छे से साफ़ ज़रूर कर लीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तिल को साफ़ करना। ये तिल भी हमारे भुन गए हैं, मैं अब इसको भी निकाल लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड हमारे तिल भुन गए हैं। अब हम इसमें 1/2 किलो अपना गुड़ डाल देंगे और अब हम इसकी चाशनी तैयार करेंगे। चाशनी 2 तार की चाशनी इसके लिए बनेगी। आप चाहें तो गुड़ को तोड़ दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आसानी रहेगी। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, 2 चम्मच के करीब बस पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो चाशनी बहने लगेगी और अच्छी नहीं बनेगी, जमेगी नहीं चाशनी। तो पानी बहुत ज़रा सा डालना है। अगर 250 ग्राम आपने गुड़ लिया है तो 1.5 चम्मच लगभग, या 1/2 किलो गुड़ लिया है मैंने तो 2.5 से 3 चम्मच पानी बस मैंने डाला है। अब हम इसे गलने देते हैं, मेल्ट करते हैं। अगर आप फोड़ लेंगे तो जल्दी मेल्ट हो जाएंगे, तो मैंने फोड़ा नहीं है, ऐसे ही डाल दिया है, तो थोड़ा टाइम लगेगा मेल्ट होने में। और इसमें हमें 1 चम्मच घी भी डालना है, 1 चम्मच के लगभग हम घी डाल देंगे, जिससे हमारी चाशनी अच्छी बनेगी। ये देखिए फ्रेंड हमारा गुड़ गलना शुरू हो गया है और हमें इसे लगातार चलाना है ताकि हमारी चाशनी नीचे से लगे नहीं, और गुड़ को हमें लगातार चलाते रहना है। ये देखिए फ्रेंड अब हम चाशनी चेक कर लेंगे। एक बूंद ये ठंडे पानी में डालेंगे और देख लेंगे, अगर चाशनी हमारी इधर उधर बह रही है तो
अब हमारी चाशनी बिल्कुल बन गई है, ये देखिए हमें ऐसी ही चाहिए चाशनी इसके लिए, जम रही है ये बिल्कुल, चूई टाइप की है, हमें चूई वाली ही चाहिए इसके लिए। तो अब हम इसमें अपना तेल मिलाएंगे, क्योंकि हमें इसमें काला और सफ़ेद दोनों बनाना है, तो हम इसको थोड़ा थोड़ा अलग बर्तन में निकाल के इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमने इसमें तिल ले लिया है कटोरे में, और हम इसमें अपनी चाशनी डाल लेंगे जितनी हमें इस तिल को बनाने के लिए ज़रूरत है। आधी चाशनी हम इसमें डाल लेंगे, आधी काले तिल के लिए रखेंगे। बहुत गर्म है चाशनी, बहुत ध्यान से डालिएगा, और इसको हम मिक्स कर लेंगे। बाकी चाशनी हम गैस पे लो फ्लेम पे छोड़ देंगे, ताकि जमे नहीं, नहीं तो बहुत जल्दी जम जाएगी। नहीं तो आपको अगर टाइम लगे तो आप थोड़ा थोड़ा करके चाशनी बनाइए। तो ये देखिए हमारा ये मिक्स हो गया है, अब हम लड्डू बना लेते हैं पहले फटाफट इसके। फ्रेंड ये काम हमें बहुत फटाफट करना है, और गुड़ भी गर्म है, आप हल्का सा हाथ को ग्रीस कर लीजिए, वैसे तो आप पानी से ही करिए। ये देखिए पानी ही सही रहेगा, क्योंकि वो टेम्परेचर डाउन कर देगा तुरंत गुड़ का, और आप आसानी से बना पाएंगे। ये देखिए ऐसे बना के हम इसको रखते जाना है, गुड़ बहुत गर्म है, बहुत ध्यान से करिएगा। ये देखिए आप चाहें तो किसी की हेल्प भी ले सकते हैं, और ऐसे हम लड्डू बना बना के रखते जाएंगे, और ये काम के लिए बहुत फुर्ती चाहिए, ये नहीं तो जम जाएगा। अगर जम जाए, इनकेस आप नहीं जल्दी कर पाते हैं, तो आप इसको दोबारा से आँच पे रख दीजिएगा, तो थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा, लेकिन दोबारा आँच पे रखने से इतना अच्छा बन नहीं पाता है, इतना परफेक्ट शेप नहीं आ पाता है। और थाली को ग्रीस ज़रूर कर लीजिएगा घी से, नहीं तो फिर ये छूटेगा नहीं। तो ऐसे हम सारे फटाफट बना लेते हैं, आप हाथ पे पानी लगाएंगे तब फटाफट बनता जाएगा, और आपको आपका हाथ भी नहीं जलेगा, नहीं तो ये देखिए हाथ लाल हो जाता है बिल्कुल। ये देखिए फ्रेंड, एक टास्क तो हमने कंप्लीट कर लिया जमने से पहले, हो गया हमारा, बन गया लगभग लगभग। अब एक लड्डू का और बचा है, बस इसको भी हम जल्दी से बना लेते हैं, और फिर हम काले तिल का बनाएंगे। ये देखिए अब हमने फ्रेंड काले तिल के लड्डू बनाने के लिए चाशनी उसी कटोरे में ले ली है, और इसमें अब हम अपने काले तिल डाल देंगे, और इसको भी हम फटाफट से वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने सफ़ेद तिल के बनाए थे। इसको चाशनी के साथ हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इसमें थोड़ा सा ज़्यादा गुड़ डालिएगा, सफ़ेद तिल के से ज़्यादा इसमें चाशनी यूज़ होती है। ये देखिए मिक्स हो गया अच्छे से, अब हम फटाफट जल्दी जल्दी इसके लड्डू बनाते जाएंगे। प्लेट को ग्रीस कर लीजिए अच्छे से घी लगा के, क्योंकि हमें इसी पे रखना है, और फटाफट ऐसे पानी लगाइए, और जल्दी जल्दी ये लीजिए और इसको गोला बनाते रहिए। जितना बड़ा आप साइज़ चाहें उतना बना सकते हैं। ये देखिए और ऐसे हम प्लेट में लगाते जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमारे काले और सफ़ेद दोनों लड्डू बनके तैयार हैं। ये देखिए अगर आप थोड़ा सा इसको ग्रीस कर देंगे तो ये आसानी से छूट जाएगा फ्रेंड। ये देखिए कितनी आसानी से आप घर में बना लिए हैं, आप जितना चाहें उस क्वांटिटी में बना सकते हैं। रेशियो जो मैंने बताया है, ये अभी काले तिल वाले सूखे नहीं हैं तो थोड़े से सूख जाएंगे, तो ये भी ये देखिए ये सूख गया, तो ये कड़क हो गया है, जो सूखता जाएगा वो कड़क होता जाएगा। ये देखिए तो ऐसे ही हम बना लेंगे। तो फ्रेंड आपको मेरी ये तिल के लड्डू की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, और अपने हाथों से बनाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बाज़ार में आप खाते होंगे तो आपको ज़रूर कंकड़ ज़रूर कभी ना कभी आपके दांतों के नीचे आए होंगे, तो आप घर में आराम से बना सकते हैं, शेप आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।